आजम खान अपनी पत्नी और बेटे के साथ जेल में है। वो आजम खान, वो बरबोले आजम खान, वो आग उगलने वाले आजम खान, तुष्टिकरण की राजनीति के प्रणेता वो आजम खान उस समय जेल गए जब पूरा देश में सीए शाहीन बाग का मुद्दा गर्म था। ये वो मुद्दे थे जिसमें आजम खान अच्छा आग में घी डाल सकते थे, लेकिन वो चुप्पी साधे रहे क्योंकि उनके तमाम पापों का पिटारा खुल चुका था। उनके खिलाफ केस करने वाले वही लोग थे जिसके लिए वो पॉलिटिक्स राजनीति करते थे। अपने बेटा का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया उन्होंने सिर्फ इसलिए ताकि उसे अपनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़वा सकें, क्योंकि आजम अब सांसद बन चुके थे। जाति और मजहब के नाम पर राजनीति करने वाले आजम लालू और नीतीश, लालू और मुलायम जैसे नेताओं की तरह ही निकले, पारंपरिक क्षत्रिय छत्रपों, या कह सकें कि मेरी जगह पे मेरा बेटा ही आएगा। पॉलिटिक्स भी एक तरह से खानदानी हो गई, राजतंत्र की व्याख्या करने लगे। राजनीति तो की तुष्टिकरण की, अल्पसंख्यकों की, लेकिन जब बाड़ी आई तो अपनी पत्नी और अपने बेटों के लिए की। बेटा नाबालिग था लेकिन हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के बदले उन्होंने एमसीडी से एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया और जेल गए। हेकरी आजम खान के पूरे खानदान की चलती थी, आजम खान के नाम पे हर किसी की चलती थी, तो उनके समथी की भी चलती होगी। लेकिन कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो हाथी पर भी कुत्ता काट लेता है। आजम खान के समधी मुरादाबाद में एक्सपोर्ट फर्म के मालिक रिजवान खान को यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया। उनके ऊपर आरोप ये कि इस लॉकडाउन के दौरान वो पुलिस से बदतमीजी करते नजर आए, बहस किया। उन्होंने उनकी जब गाड़ी चेकिंग की कोशिश की गई तो उन्होंने रुतबा दिखाने की कोशिश की और रुतबा की अकर योगी पुलिस ने निकाली। 5 घंटे तक उन्हें अरेस्ट कर उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। उन्हें उनका अपराध गैर जमानती था, इसलिए उन्हें जमानत दे दी गई। लेकिन योगी पुलिस ने कहा है कि आजम खान के समधी रिजवान खान और उसके बेटे पर के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र जल्द ही दाखिल की जाएगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस केस में यदि सजा उन्हें होती है तो अपने समधी के साथ वो भी जेल में होंगे रामपुर में। रामपुर के विधायक, वहीं से सांसद आजम खान, जौहर यूनिवर्सिटी के लाइफ टाइम कुलाधिपति और अपनी पत्नी और बच्चे को पूरे जीवन सेट कर दिए हुए थे। लाइब्रेरी में पता चला कि उन्होंने किताबें भी चोरी की, हिस्टोरिकल किताब जो बहुत महंगे महंगे किताब थे। यूनिवर्सिटी जो बनाई, आम आदमी की जमीन कब्जा कर लिया, आम आदमी की प्रॉपर्टी कब्जा की, करोड़ों करोड़ की संपत्ति अवैध तरीके से कब्जा किया। उनके ऊपर भैंस चोरी और बकरी चोरी तक के आरोप लगे। इसलिए और तमाम आरोप लगाने वाले वो सब थे जो सालों तक आजम खान की गुंडई से प्रताड़ित थे, जिनके नाम पर उन्होंने पॉलिटिक्स की। उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि आजम खान के खिलाफ बोल सकें। आजम खान के नाम पर इसी तरह से गुंडागर्दी उनके रिश्तेदार करते होंगे जो उनके समधी का ठसक सामने आया। दरअसल ये परंपरा सिर्फ आजम खान जैसे लोग नहीं निभाते, ये परंपरा सत्ता के नशे में, सत्ता के ठसक में राजनीति से जुड़े लोग निभाते हैं, मसल पावर और मनी पावर दिखाने के लिए। आजम खान के दुर्दिन ये संदेश हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अच्छे वक्त होने पर अपनी अकड़ से दुश्मन पैदा करते हैं। और इसीलिए आजम खान जैसे लोग यदि इनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होती और सही में ये अपराधी नहीं होते तो ये राजनीतिक बवाल मचा देते। लेकिन आजम जानते हैं कि उनके ऊपर जो कार्रवाई है, उनके ऊपर जो सख्ती है, वो अपराध ऐसे लोगों के साथ किया गया है जो उनका वोट बैंक था। तो अपने वोट बैंक के साथ ही अपराध करने वालों की दुर्गति क्या होती है, वो इसकी व्याख्या आजम, उनकी पत्नी और उनका बेटा ही उत्तर प्रदेश के जेल में कर पाएगा। लेकिन फिलहाल अपनी पत्नी और बेटी, इकलौते बेटे के साथ
जेल में वक्त बिता रहे आजम का इंतज़ार उनका समधी भी कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।